गुड इवनिंग, मैं संदीप नवेल आज एक नए वीडियो के साथ हूँ। आज मैं चौथे वीडियो के साथ हूँ। मेरा जो डेमो सेशन चल रहा है मेरी पहली ऑनलाइन बैच के लिए, जो मैं पहली बार स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के 24 जुलाई से। अगर आप भी चाहते हैं जुड़ना तो सर्च कीजिए संदीप नवेल यूट्यूब पर, या फिर आप डाउनलोड कीजिए ट्रम्प का 24 एप्स। एक मेरे 120 बच्चों के लिए एक पहली बैच है, इसके ऑफर है। आप बहुत कम फी पर 2500 रुपये पर आप जुड़ सकते हैं, और कोई बच्चे ऑफलाइन क्लास माना चाहते हैं तो इसी फी पर आएंगे, लेकिन ये केवल 120 बच्चों के लिए ही होगा। और मैंने एक और ऑफर दिया है आप लोगों को कि अगर 24 तारीख क्लास स्टार्ट होने के बाद अगले 12 दिनों के अंदर किसी को लगता है कि क्लास पसंद नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, आपको आपकी फी वापस मिल जाएगी। लाइव क्लास में कोई ऐसा नहीं करते हैं, बट मैं करूंगा ऐसा आप लोगों के लिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बेस्ट देता रहा हूँ और मैं बेस्ट आगे भी दूंगा। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आने का बस एक ही एम है, ताकि मैं बहुत बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाऊं और आपके अंग्रेजी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दूं। 90%+ आप भी लाएं, मैंने 95%+ कई बार लाए हैं, 90%+ कई बार लाया है। मेरे बच्चे ने तो कई बार ऐसा हुआ है कि 100% तक मार्क्स लेकर आए हैं। मैं उन लोगों से मिलाऊंगा भी आपको लाइव सेशन में, और मैं इसी उम्मीद से लाइव सेशन में आया हूँ पहली बार। आइए, मैं तीसरे वीडियो में साइंटिस की बात कर रहा था। साइंटिस हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कितना ज्यादा आसान है उस पर ही विचार करेंगे। एक जरूरी इसके बारे में बताऊंगा कि बहुत बहुत नॉमिनल सी चीजें हैं जो सीखनी है आपको, फिर भी अगर डिफिकल्ट लगता है आपको, मैं कहता हूँ कि लाइव सेशन जो स्टार्ट है 24 जुलाई से फुल है, जहां बेसिक से उठाऊंगा 0 to 0 के लिए, ठीक है, वहां सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ भी मैं पूरा स्पष्ट करूंगा आपके लिए, और डेमोस में चैप्टर वाइज भी खींच रहा हूँ मैं। अभी बेसिक्स का बता रहा हूँ, फिर चैप्टर, फिर क्वेश्चंस सब क्लियर करूंगा, ताकि मन में कोई दुविधा ना रहे आपको। और मेरे लाइव सेशन में आप क्वेश्चन पूछने का पूरा अधिकार है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं लाइव में आंसर दूंगा आपको। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं कह रहा साइंटिस्ट के बारे में, थर्ड वीडियो बता चुका था, साइंटिस्ट स्टार्ट भी कर चुका था। आइए स्टार्ट करते हैं, मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैं कह रहा हूं राधा, बहुत सिंपल सेंटेंस है, राधा कृष्णा, ठीक है, राधा कृष्णा से मिलने वाली है, ठीक है। मैं कह रहा हूं राधा कृष्णा से मिलने वाली है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। आओ देखो लास्ट में क्या लगा, मिलने वाली है। देखो मिलेंगे तो कोई काम करेंगे, मिलेंगे मीन्स कोई काम तो होगा, अगर आप किसी मिलते हैं कुछ करते हैं तो काम होगा। मैंने कहा था कि एक ही बात कहा है दोस्तों कि कुछ भी करते हैं तो क्या होता है, काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा काम है, मिलने का, मिलने वाले भर प्लस ने वाले हैं, ने वाली है। देखो मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सिंपल से चीजें हैं, इज एम या आर, है ना, टू या वॉज वेयर टू, है ना, इज एम आर या वॉज वेयर टू, ठीक है, याद नहीं करना पड़ेगा, बता रहा हूँ। हम लोगों को पता है इज एम आर प्रेजेंट होता है, ठीक है, का सेंस होता है, और वॉज वेयर था देती है पास्ट। देखो इज एम आर टू या वॉज वेयर टू, दोनों का मैं हिंदी बता दे रहा हूँ आपको, दोनों का हिंदी होता है भर प्लस ने वाला है। देखो मैंने कहा है कि बहुत ज्यादा ईजी है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ठीक है, और कोई भी नियम याद नहीं करना पड़ेगा, तो मैं इसे साबित भी करूंगा। बस आपको एक्सुडी के मीनिंग बताऊंगा कि कौन से एक्सुडी के क्या हिंदी होते हैं, आपको इतना ही याद करना और कुछ भी नहीं करना है, और वो मैं करा दूंगा, इसकी भी गारंटी है, मैं करा दूंगा आपको, बेस्ट प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो देखो एक्सुडी में क्या है, इज एम आर या वाज वेयर टू, इसका हिंदी क्या होता है, बस ने वाला है या ने वाला था, देखो ने वाले हैं, वाली है, ठीक है, या वाले हैं, वाले थे। देखो ये हिंदी के कमाल है, हिंदी के अनुसार बदलता रहता है, तो ये सब आदत से बाहर निकलना हुआ, रहा है, रहे हैं, रहिए, तीनों बैठ के आप करें, आप रहा है बोलो ना सिंपली, रहे हैं, रहिए, ये हिंदी के अनुसार चेंज होता रहता है, और उतना हम समझते हैं, तो उतनी हिंदी याद नहीं करनी, सिंपली बस ने वाला है या ने वाला था, वाले हैं या वाले थे, वाली है, वाली थी, हो ही जाएगा, हम उतने डेवलप है, हम कुछ करना नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो आओ देखते हैं एक्सुडी में इज एम आर या वाज वेयर टू, इसका हिंदी है बस ने वाला है या ने वाला था, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि समझना आप लोगों के लिए ज्यादा आसान हो जाए, मैं क्लियरली बोर्ड पर लिख पाऊंगा और आपके लिए आसान होगा। चलो बच्चों सबको याद हो गया होगा, ठीक है, कि एक्सुडी इज एम आर या वाज वेयर टू का हिंदी होता है बस ने वाला है या ने वाला था। चलो देखते हैं इसे आगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग,
यहाँ चल चुका है, मतलब हमारे पास नई वाली है, ठीक है। तो इसको देखकर क्या सोचेंगे कि एक्सिलरी कौन सा आएगा, याद करें बहुत सिंपल सा, इज अबाउट टू, ने वाला है ने वाली है, एक ही बात है, ठीक है। एक्सिलरी में आएगा इज या एम, ठीक है, या आर, टू, क्लियर है। अब देखते हैं, अब जब साइंटिस्ट बनाते हैं नियम याद नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, हम किसको लेकर आते हैं, सब्जेक्ट, राधा कृष्णा से मिलने वाले, कौन मिलेगी, राधा। काम जो करता है वो तो सब्जेक्ट होता है, तो काम कौन करेगी, हम मिलेगी कौन, राधा। चलो उसके बाद क्या आता है, एक्सिलरी। ये तो सब कुछ है, ये तो दिखाता है, मेन एक्टर तो यही होता है, जो मेन एक्टर कह लो, एक्ट्रेस कह लो, सब यही होता है, ठीक है। सेंटेंस के लिए एक्सिलरी हिंदी हो या इंग्लिश, मेन रोल यही प्ले करेगा, ठीक है। तो साइंटिस के लास्ट में देखें मिलने वाली है, पर्पस ने वाली, इसको देखकर चला पता है एक्सिलरी कौन है, इज नंबर 2। तो राधा एक है सिंगुलर सब्जेक्ट, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट, एक का बोध करा रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जिस वर्ब के लास्ट में देखो, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, आगे मैं बताऊंगा जब वर्ब में या बेसिक से स्टार्ट करूंगा फुल लेंथ लाइव सेशन में 24 जुलाई से, तो वहां बताऊंगा क्लियर, एक एक चीज बताऊंगा मैं, इसकी गारंटी है। अगर लगे कि नहीं बताए हैं तो फिर आप ब्लेम कर सकते हो, सर नहीं बता रहे हैं, ठीक है, या कुछ छिपा रहे हैं। देखो मैं कह रहा था कि अगर हम बात करें वर्ब की, तो जिस वर्ब के लास्ट में एस होता है ना, वो सिंगुलर वर्ब होता है, बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। जिस वर्ब के लास्ट में एस होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, और सिंगुलर वर्ब कब प्रयोग करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब क्या करते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और जिस वर्ब के लास्ट में एस होता है वो वर्ब सिंगुलर होता है, ये शॉर्ट ट्रिक है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं रहेगा आपको तो प्लूरल में पड़ेगी, वर्ब क्लास में एस नहीं है तो प्लूरल है, नॉर्मल इतना जानना है, ठीक है। अगर ज्यादा कुछ नहीं जानना है आपको, वर्ब क्लास में एस नहीं है तो वो प्लूरल है, और वर्ब क्लास में एस है तो वो सिंगुलर है, ठीक है। चलो देखते हैं, और बी2 बी3 बिफोर हम सिंगुलर प्लूरल नहीं कह सकते हैं, वो भी सब कुछ क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो तो इसके बाद क्या आएगा, एक्सिलरी आएगा, कौन आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी कि इज टू, इज नहीं, इज टू एक्सिलरी होगा। इसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब, मेन वर्ब इसका कौन सा काम हो रहा है, मिलने का, राधा इज टू मीट, किससे मिलने वाली है, कृष्णा से, है ना, राधा इज टू मीट कृष्णा, हो गया, कितना सिंपल था ना, कुछ भी नहीं करना था। और अब तो हम लोग हिंदी से इंग्लिश गए थे, मुझे समझाना पड़ रहा है, बेसिक्स में एक ही करके बता रहा हूँ, बहुत कम समय लगेगा आपको, उसके बाद जब एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। एक और चीज कहता हूँ, मैं हिंदी से इंग्लिश गया था इतना समय लगा, एक एक लेकर सब मैच करा रहा है, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी आना इससे भी ज्यादा आसान है, जो हमारा एम है, ठीक है। तो देखिए एक्सिलरी क्या है, इंग्लिश से हिंदी भी आना होगा, किसको पकड़ेंगे, एक्सिलरी को ही पकड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ वही है, ठीक है। एक्सिलरी क्या है, इज टू, यानी कि पर्पस ने वाला है, इज टू मीट, ठीक है, मिलने वाली है कृष्णा से, चूंकि सभी राधा है, राधा मिलने वाली है कृष्णा से, नहीं बेट यहाँ तो क्लियर हो गया, इतना में ही सब कुछ क्लियर है, इज टू मीट मिलने वाला है, मिलने वाली है कृष्णा से, क्लियर हो गया, चूंकि सब्जेक्ट राधा है, राधा मिलने वाली, राधा मिलने वाला है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं हम लोग, इतने डेवलप तो है, आप लोग डेवलप भी, सुपर टैलेंट, सुपर टैलेंटेड भी है, सुपर डेवलप भी है, आई होप उससे भी ज्यादा होंगे आप लोग, बट ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चीजें हो जाएगी। देखिए वैरी तो अच्छा है, बट टू गलत बात है, ठीक है, कभी भी टू नहीं बनने का प्रयास करें, वैरी बनिए, टू मत बनिए, टू बनेंगे तो नेगेटिव होगा, और आज के बच्चे बहुत सारे ऐसे टू बनने का प्रयास करते हैं, और उस चक्कर में बहुत अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, मैं एक और एग्जांपल देख रहा हूँ, सिंपल सा सेंटेंस देख रहा हूँ मैं, एमएस धोनी, ठीक है, एमएस धोनी क्रिकेट, ठीक है, एमएस धोनी क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं, बहुत सिंपल लिख रहा हूं, संन्यास लेने वाले हैं, ठीक है। चल लास्ट में क्या है, संन्यास लेने वाले हैं, कौन सा काम हो रहा है, संन्यास लेंगे, संन्यास लेके कोई काम करेंगे, इसको देख क्या सोचेंगे हम, एक्चुअली कौन सा आएगा, लेने वाले हैं, याद आ गया, इज अबाउट टू, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, कौन लेगा संन्यास, एमएस धोनी, चलो जल्दी जल्दी करते हैं, एमएस धोनी, हो गया। चलो उसके बाद क्या आता है, एक्सिलरी वर्ब आता है, एक्सिलरी में कौन आएगा, इज नंबर 2, एमएस धोनी एक है, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब, इज होगा, इज नहीं, इज 2 करेंगे हम, ठीक है, एमएस धोनी इज 2, 2 के बाद क्या आता है, गिवन मतलब मेन वर्ब, ये हम ऐसे भी रूल वाइज भी देखते हैं,
एग्जूडी के बाद क्या आता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब मींस क्या, काम। मेन वर्ब का मतलब क्या, मैं बार बार रिपीट करूँ, रट्टा नहीं मारना है मोमो, ठीक है, समझना है, सेकंड में समझना है। मेन वर्ब मींस काम, काम कौन सा है, संन्यास लेने का, ठीक है। तो एम एस धोनी इज टू टेक, ठीक है, टेक कर देते हैं हम लोग, टेक रिटायरमेंट, ठीक है, टेक रिटायरमेंट, हो गया। एम एस धोनी इज टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, हो गया। चलो यहां तक क्लियर है, ये था, बहुत बहुत कम बताया है मैंने यहां आप लोगों को, अभी तीन चार एक जरूरी सी बताया है, मैं बस अश्योर कर रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि मैं आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए। देखो यहाँ बता देता हूँ मैं, इंग्लिश से हिंदी कितना आसान है, एमएस धोनी इज टू टेक रिटायरमेंट, पकड़ते हैं एक जरूरी को, माने इज टू टेक रिटायरमेंट, संन्यास लेने वाले हैं, समझ गए हिंदी। सेकेंडो भी समझेंगे हिंदी, आप जो सोचते हैं पेपर कैसे पढ़ते हैं लोग, ऐसे ही पढ़ते हैं, इतना आसान है, ठीक है। इंग्लिश से हिंदी आना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, मैं फुल्लेंथ वीडियो से पूरा क्लियर करता हूँ, एक चीज क्लियर कर दूंगा। एक और चीज, अगर बहुत सारे बच्चों के मन में क्लियरेंस नहीं है इस रूडी को लेकर, मेन वर्ब को लेकर, कब वी1 कब वी2, तो बस एक चीज याद रखना, किसी भी एक जरूरी वर्ब के बाद वी1 ही होता है, ठीक है, नहीं कुछ याद रखना, बस इतना याद रखना, किसी भी इस रूडी के बाद क्या होता है, वी1 ही होता है, ठीक है, बस एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। पहला है डी, जिसके पांच फॉर्म है इजमर वाज वेयर, ठीक है, और बी क्या लेता है, बी फोर। दूसरा है हैज हैव और हैड, क्या है, हैज हैव और हैड, ठीक है, ये क्या लेता है, बी थ्री। बाकी जितने जरूरी है सबके बाद बी वन होगा, इसकी गारंटी है, एक टिप में बेसिक में तो हम लोगों को पता है मेन वर्ड बी थ्री में ही होता है, ठीक है। बी यानी कि इजमर वाज वेयर के बाद बी फोर, हैज हैव हैड के बाद बी थ्री, इस ठीक है, इसको मैं और एक्सप्लेन कर लूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो एग्जाम से पूछे गए, बड़े बड़े एग्जाम्स, टैंक POSSC क्लब, ठीक है, बड़े एग्जाम्स में सबसे पूछे गए, वो सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मैं चाहता हूँ पहुंचूं, उनकी सहायता करूं। आप किसी भी स्टेट से हैं, पूरे भारत में कहीं से हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, अगर आप तैयारी करें प्रतियोगिता परीक्षाओं की और आप चाहते हैं 90%+ आए तो आएगा, मेरे पास प्रूफ है, मेरे बच्चे हैं जिन्होंने 100% मार्क्स प्राप्त किए हैं, मैंने किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने किया है, आप भी करेंगे, ये हमारा वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।